आप देख रहे हैं 575 ounces का एक नया नवेला एपिसोड. दत्तदेव इज बैक. जेमी ऑल्टो, वी मिस्ड यू इन द लास्ट एपिसोड, जहां हमने पाकिस्तान और कोरोना वायरस का कुछ उसके बारे में बातचीत करी थी. लेकिन द क्रू इज बैक. जेमी ऑल्टो, निखिल नाज और मेरा नाम है अर्जुन पंडित. डोंट गो बाय रोज आंटी, वो मेरा एलियस है एज फार एज जूम रिकॉर्डिंग्स आर कंसर्न्ड. लेकिन द रीजन वी गॉटन हियर टुडे इज बिकॉज इस हफ्ते, जो अभी हफ्ता गया है, 25 जून को 1983 का जो विश्व कप भारत ने जीता था, पहला विश्व कप भारत ने जो अपने नाम किया था कपिल देव की कप्तानी में, उसकी 37वीं सालगिरह थी और उसको जोर शोर से मनाया गया है. एंड द कंसिस्टेंसी विद दिस इस सालगिरह को मनाया जाता है फॉर द लास्ट 37 इयर्स इज समथिंग वी विल बी फोकसिंग ऑन. एंड ऑल द मोर दैट वी टॉक अबाउट इट बिकॉज हमारे साथ मिरेकल मैन के ऑथर निखिल नाज, जिन्होंने 1983 के विश्व कप की कुछ बेहतरीन कहानियां हमें बताई हैं. तो सबसे पहले उनकी किताब में प्लग कर दूं, अगर आपको 1983 की विश्व कप की कुछ बेहतरीन अद्भुत कहानियां सुननी है, पढ़नी है, तो आप एनी प्लेटफॉर्म पे जाइए, मिरेकल मैन लिखिए और आपको वो किताब मिल जाएगी. निखिल, सो आई स्टार्ट विद यू, क्योंकि सर 2011 भी हो गया, 2011 टू नाउ 9 साल हो गए फ्रॉम विनिंग 2011 वर्ल्ड कप अंडर MS धोनी. लेकिन 1983 फॉर व्हाटएवर इट मे बी एवरी ईयर जो जोर शोर से ये सेलिब्रेशन चलता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये अर्जुन आप और हमारे कई दर्शक अच्छे से समझेंगे इस बात को. क्या होता है ना, पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है ना, तो ये कुछ वैसी चीज है. अगर आप किसी क्रिकेटर से भी पूछते हैं ना कि आपकी बेस्ट सेंचुरी क्या है, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी, तो मैंने पहली सेंचुरी लगाई, क्योंकि जो फर्स्ट होता है यू नो दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल. तो आई थिंक एक तो रीजन ये है, बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो एक सिंपल रीजन ये है. उसके अलावा कई और रीजन है. एक, क्योंकि 2011 में आप होस्ट थे और इंडियन क्रिकेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीम थी, ना सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी इंडियन क्रिकेट वॉज ह्यूज, यू नो इट वॉज अ पावर हाउस. तो वहां पर जीतना, और 83 में ना सिर्फ आप एज ए टीम कमजोर थे, उससे पहले इंडिया ने दो वर्ल्ड कप खेले थे, 75-79 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तो दूर, एक ही मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका एक टीम था जो एक कंट्री भी नहीं थी, ईस्ट अफ्रीका वो कुछ कंट्री मिला के. ये मेरी लाइन नहीं है, ये अक्सर श्रीकांत जी या चिका सर बोलते हैं, वो यूज करते हैं, वो कहते हैं एक्चुअली वो कोई कंट्री की टीम नहीं थी, वो जो गुजराती थे जो अफ्रीका में रहते थे उन सबको जोड़ दिया, पटेल भाई सब मिलके उन्होंने एक टीम बनाई. सो दैट वाज द ओनली टीम दैट इंडिया हैड बीटन इन द टू एडिशंस. तो उस टीम को जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसका वर्ल्ड कप जीतना, वो भी एक ऐसी टीम को फाइनल में हराना जो इनविंसिबल मानी जाती थी उस जमाने में, लोग तो कहेंगे शायद क्रिकेट इतिहास में उनसे बड़ी कोई टीम ही नहीं हुई. तो वो सब चीजें ऐसी थी जो बहुत स्पेशल बनाता है. जो 2007 का भी मैं T20 जीत मानूंगा, जो भी स्पेशल थी, लेकिन तब तक भी जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन तब भी इंडियन क्रिकेट बहुत ऊपर था. ये सब चीजें 83 में नहीं थी, इसलिए आई थिंक वो हमेशा स्पेशल रहेगा. ऑल्सो मैं थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि भाई जब ऑथर साहब के साथ बैठ के यहाँ पे 1983 की बात करनी है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. जेमी, विश्व कप से पहले यू नो द ऑड्स ऑन इंडिया वर 66-1. यप, 66-1. सो वी वर अपन रैंक आउटसाइडर्स, तो छोड़ो मतलब किसी ने चांस भी नहीं दिया था. और उसके बाद ऑफकोर्स द वे द स्टोरी अनफोल्डेड, ग्रुप स्टेजेस में आपको जिम्बाब्वे को हराना था, कपिल देव जी का वो इनिंग्स आया. योर मेमोरीज From 1983 or dad's memories of watching it and the tales he's told you about it? हाँ, ये जब हुआ था वर्ल्ड कप तो मैं कुछ दो साल का था. तो all the stories are based on exactly जैसे आपने कहा, my father who was mad about cricket, he wrote a book in 1999 just before the 99 World Cup. He co-authored a book with Ayaz Memon. So I was going through that book कल, because if Nickel's written a book, like you said, we have to also show up sounding somewhat tuned in and smart. So, yeah. so just going through that book, it also took me back to a lot of the stories which I heard. But you know, like exactly like Nikhil said, I mean, mera ye manna hai ki outside cricket, this could be the biggest sporting upset. You know, ek khel hai jo aap log bahut kareeb se dekhte ho, usme we've heard of, you know, Greece beating France and you know Leicester and all that. We've seen boxing, Buster Douglas. But aap jab dekhte hai gaur se, us team, aapne odds ke baare mein baat kiya. I have some stats here. Before the 83 World Cup, India had an ODI record of 40 matches, 12 victories and 28 defeats. These included the exact two World Cups. Two World Cup khele the, ek match jeete the against East Africa, 5 losses. That is a success ratio of 30% across 9 years of one-day cricket. Samne kaun hai? West Indies, two-time world champions. Usi World Cup se pehle, inki success rate thi 73%, right? So,
when you look at all that, you know, people landing, I remember Ayaz had written, okay, when he landed at the Heathrow Airport in 1980, logon ne kaha acha tum kya World Cup dekhne aaye ho kya, your team has no. So ye sab dekh ke I think it could be the biggest sporting upset. इसीलिए लाइक निखिल ने सही कहा, 2011 में वर्ल्ड कप आपके देश में था, आप फाइनेंशियल सुपर पावर थे, पहला प्यार वाली बात है, बट जस्ट बियॉन्ड दैट द फैक्ट दैट एक टीम जिसको किसी ने चांस नहीं दिया, खुद के देश ने चांस नहीं दिया, वो लॉर्ड्स में जाके वो माइटी वेस्ट इंडीज टीम को हराया था. दिस इज व्हाई आई थिंक यू नो 37 इयर्स लेटर हम हर साल, फॉरगेट द मीडिया, द फैन, दे जेन्युइनली बिलीव के दैट वाज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप विन फॉर देम. निखिल, यू नो व्हाट जेमी वाज गिविंग दी स्टैट्स, माय पॉइंट बीइंग कि ऐसा तो था नहीं कि बिफोर दिस वर्ल्ड कप वी डिडंट हैव टेस्ट स्टेटस, वी वर डूइंग प्रीटी वेल इन टेस्ट क्रिकेट. ऊपर से जो आप कह रहे हैं, जो हम वो मैचेस हारे हैं, 6 मुकाबले हारे हैं 2 विश्व कप में, उनमें से सर एक श्रीलंका के खिलाफ हारे हैं, हु गॉट टेस्ट स्टेटस इन 82. नाउ द पॉइंट बीइंग टेस्ट स्टेटस जनरली टेल्स यू हाउ गुड यू आर एज अ क्रिकेटिंग नेशन, देन एवरीथिंग एल्स ऑफ कोर्स फॉलोज आफ्टर दैट. ये भारत जब आप रिसर्च कर रहे थे, ये थोड़ा लेट क्यों आए ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि उससे पहले 8 साल पहले चल चुका था सर गाड़ी, यहाँ पे 2 विश्व कप हो चुके थे, तो फिर भारत थोड़ी लेट क्यों पहुंचा इस 50 ओवर फॉर्मेट में? आई थिंक मे बी जैसे ना हम देखते हैं T20 क्रिकेट भी, अगर आप देखो, हालांकि स्पैन बहुत कम है और 2007 में इंडिया जीत भी गई थी, एक्सेप्ट नहीं करती कोई चीज को. आई थिंक एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टू एक्सेप्ट वनडे क्रिकेट ऑल्सो टुक टाइम इंडिया में. और अगर आप उस टाइम का, आप क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो, तब इंडियन कल्चर भी यही था ना कि आपको करेक्ट खेलना है. गावस्कर वॉज योर हीरो. क्यों गावस्कर वॉज योर हीरो? बॉल उठनी नहीं चाहिए ग्राउंड से ऊपर से, यू नो, ग्राउंडेड. तो वो सब आई थिंक चीजें थी. और इसीलिए 83 का वर्ल्ड कप का वो जो था जीत, वो एक टर्निंग पॉइंट इसलिए ही बनता है क्योंकि उसके बाद आपने जाके 85 की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट भी जीत ली बेंसन एंड हेजेस जाके, वो जो था मिनी वर्ल्ड कप. तो एक वो टर्निंग पॉइंट था. आई थिंक इंडिया जस्ट वोक अप टू वन डे क्रिकेट एज सच. उससे पहले उतना शायद वन डे क्रिकेट को सीरियसली भी नहीं लिया जाता था. जस्ट एज मैं अभी हुई T20 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, T20 को भी काफी टाइम तक सीरियसली नहीं लिया गया. मतलब ऐसा हाल था कि जो आप ये 66-1 की बात कर रहे हैं, डेविड फ्रिथ उस वक्त विजडन के एडिटर थे, उन्होंने एक कॉलम में तो यहां तक लिखा था कि इंडिया शुड नॉट इवन हैव बीन कॉल्ड टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि उस टाइम बाय इनवाइट आप वर्ल्ड कप में आते थे, होस्ट कंट्री इनवाइट कर रहा था. तो उन्होंने कहा था कि आप, जैसे हम आजकल बात करते हैं ना कि क्यों लंबा कर रहे हो आप वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान को क्यों खिला रहे हो, या हॉलैंड को किसी वर्ल्ड कप में क्यों ले आते हो, क्वालिफायर्स को क्यों लाते हो, कुछ वही चर्चा तब हो रही थी और इंडिया के लिहाज से हो रही थी कि क्यों आप एक्सटेंड कर रहे हो, क्यों बोरिंग करना चाहते हो इन टीमों को लाके, सिर्फ टॉप टीमें रखो और कंपेटिटिव वर्ल्ड कप हो, आप वो खेलो और चले जाओ. तो यहां तक मतलब चर्चा थी. आई थिंक इंडिया जस्ट बिफोर 83 थोड़ा समझ गया था, क्योंकि आप टीम सिलेक्शन देखो ना, उससे आपको पहला आइडिया मिलता है कि व्हाट इंडिया वर थिंकिंग. इट वाज पैक्ड विद ऑलराउंडर. इमेजिन करें उस वक्त अगर आज के विराट कोहली तब के सुनील गावस्कर थे, तो आज के रोहित शर्मा तब गुंडप्पा विश्वनाथ थे. गुंडप्पा विश्वनाथ को नहीं पिक किया था इन्होंने, बिकॉज इंडिया वेंट विद अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, यू नो. तो आई थिंक तब उनको थोड़ी समझ आ रही थी कि वनडे को कैसे क्रैक किया जाए, इंग्लैंड कंडीशंस को क्या किया जाए. तो उन्होंने बहुत सारे ऑलराउंडर्स टीम में रखे, दिग्गज खिलाड़ी जैसे गुंडप्पा विश्वनाथ, उनको नहीं लिया. हालांकि उनका उससे पहले थोड़ा फॉर्म भी खराब चल रहा था, लेकिन उनको ना ले जाना, ये सब दर्शा रहा था कि इंडिया वॉज वेकिंग अप टू वन डे क्रिकेट. आई डोंट थिंक द वर्ल्ड हैड वोकन अप, बट क्वाइटली इनसाइड इंडिया को रियलाइज हुआ था कि कैसे टैकल करना है इस वनडे फॉर्मेट. एंड ऑल्सो जेबी, अगर आप, हाँ जी, I just want to, it's a very good point जो निखिल ने यार raise किया. I was saying, इसमें एक तो कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ है. अगर आप देखेंगे, the 4 years leading up to the 83 World Cup, India ने almost 4 years में सिर्फ 7 one-day match खेले थे, including the 75 World Cup, for a winning percentage of 14.3%. But 78 tour of Pakistan से 83 की शुरुआत तक, उन्होंने 33 ODIs खेले थे, जिसमें तो 32 कपिल देव ने खेला. That itself tells you a story, ठीक है? Exactly like Nikhil said, in India, while the world was not focused on India, India ko one day cricket ka dhyan tha. Inke sare top test players, they had one day cricket on their radar. And also just before the 77-78 season, they added the Deodar trophy with the Wills trophy, right? So the team, India very quietly, very silently, despite the odds, were, like Nikhil said, they were waking up and all the top players were playing one day cricket.
We'll get into this more, I'm sure, when we talk about that tour to the West Indies before this. But it was slowly, after two disastrous tours, somebody in there said, "Bhai, hum, we have to." And the all-rounder fact, which Nikhil said, wo bhi bahut sahi tha. Also, the chairman of selection that time was Chandu Borde, a very shrewd player, as Nikhil knows. Inka bhi bahut bada haath hai in choosing that team. But, you know, main sun raha tha ki, like you said, team all-rounder thi. So, batting kitni deep thi is team ki. Sayed Kirmani sahab number 10 pe ballebazi kar rahe the yahan pe. And what I, ek aur stat hai, other than Balwinder Sandhu and Mr. Sanjeev Walson, everyone else in this team had a first-class 100. And how you've taken these games to the end, that has played a big part in it. Zimbabwe being one of the reasons. Aapne, of course, jo aage, aapne jo mukable khele, that being one of the reasons. But the point, reason why we've come today is because ye sab kahaniyan, sir, kaafi time se discuss ho rahi hain. Aaj we're trying to talk about those lesser-known stories from that 1983 World Cup win. And Nikhil, let's start by a person who's, whenever you talk 1983 India World Cup win, pehla naam jo aata hai, wo Kapil Dev saab ka naam aata hai. Lekin kaptani jo unko, of course, in the build-up to the 1983 World Cup mili, uska kya kissa hai? Wo bahut interesting hai, wo main apni kitab mein bhi likhta hoon. To just before that, na, Sunil Gavaskar ki captaincy gayi thi फेब्रुवरी में तो 5 महीने पहले इंडिया गई थी पाकिस्तान के टूर में एंड हमेशा जैसे होता है और शायद अभी भी होता है कि अगर आप पाकिस्तान में टूर हार जाओ तो आपकी कैप्टेंसी गई मतलब तब एक फिक्स्ड एक ये चीज होती थी तो कुछ वैसा ही था वहां पर इंडिया हर चीज हारा था उस टूर पे 6 टेस्ट मैच का टूर था और इंडिया 3-0 वो टेस्ट सीरीज हारा था दरअसल इसमें कहानी ये हुई थी कि जब हैदराबाद टेस्ट वॉज द 4th टेस्ट मैच And in the 4th test, there is a उन दिनों पे रेस्टे हुआ करता था आप जब 5 डे का टेस्ट मैच खेलते थे एक दिन रेस्टे होता था 4th day used to be a rest day. तो 4th day जब रेस्टे होता है उस वक्त जो बिशन सिंह बेदी उस वक्त सेलेक्टर थे he had traveled to Pakistan and Fateh Rao Singh Gaikwad was the team manager of that tour. Both of them have a meeting on that rest day with Kapil Dev. And not Sunil Gavaskar, while Sunil Gavaskar is the captain. So Sunil Gavaskar, imagine as a captain, sees that a selector has come on a tour from India and he, manager and Kapil Dev are having a meeting. Now, whether that wo meeting mein aap chahe performance discuss kar rahe ho, kuch bhi discuss kar rahe ho, par wo aap captain ke saath karoge, but captain was not part of that meeting. I think maha first indication Sunil Gavaskar ke zehen mein jaati ki, shayad kuch aisi baat ho rahi hai, शायद कप्तानी जाने वाली है और यही बात हो रही होगी और अब इस टूर के बाद कैप्टनसी चली जाएगी ये चीज कंफर्म तब होती है सुनील गावस्कर के जहन में जब आखिरी टेस्ट मैच होता है कराची का टेस्ट मैच इज द 6th एंड द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ दैट टूर तो इंडियन टीम कैसे आ रही होती है जो बॉम्बे प्लेयर्स आर सपोज टू फ्लाई टू बॉम्बे एंड द इंडियन प्लेयर्स आर सपोज टू कम वाया वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बाय रोड वो इस तरफ जो नॉर्थ के प्लेयर्स है दिल्ली प्लेयर्स है वो बाय रोड आने वाले थे So Kapil obviously was expected to come by road. Lekin last moment, unko pata chalta hai ki Kapil is flying to Bombay with the Bombay players. So that is when he's certain ki haan, ab ye Bombay jayenge aur, you know, BCCI se wahan, kyunki BCCI Bombay mein based tha, wahan mulaqat hogi aur captaincy jayegi. To wahan par captaincy Pakistan tour ke end mein, it changes But, hand and it goes to Kapil Dev. This is a very human question I'm asking you. कि मतलब आप एक कप्तान हैं, आपकी स्क्वाड में आपको हटा के एक और किसी को कप्तान बनाया जा रहा है. And no matter how big the personalities and players they might be, and they still get along really well. क्या उस समय कुछ friction था? At least initially in the transitional phase. Friction था. उससे पहले एक और test match हुआ था. Now I forget the details of the test match, but वो कहानी बहुत famous है. और सुनील गावस्कर ने अभी भी कई बार उस पर बात करी है, where he was batting and उन्होंने एक सिंगल लेना चाहा था एंड कपिल देव हैड रिफ्यूज्ड दिस वाज जस्ट बिफोर द पाकिस्तान टूर आल्सो एंड कपिल देव हैड रिफ्यूज्ड टू टेक दैट सिंगल एंड देन उसके कुछ बॉल बाद सुनील गावस्कर आउट हो जाते हैं एंड ही इज लिविड व्हेन ही गेट्स टू द ड्रेसिंग रूम बिकॉज ही थॉट कि जो बॉलर था उस वक्त कपिल कुड हैव प्लेड हिम मच बेटर देन हिम एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड दैट सिंगल इट वाज रिफ्यूज्ड और वो फिर आउट हो जाते हैं तो थोड़ी सी फ्रिक्शन थी एंड उस वक्त और आज भी ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं सुनील गावस्कर कि दैट वॉज प्रॉब्ली द ओनली टाइम वो थोड़ा ही लॉस्ट हिज कूल और कपिल के साथ उनकी थोड़ी लड़ाई हुई तो एक वो चीज है उसके अलावा जब कैप्टनसी चेंज कर रही है हैंड्स तो थोड़ा बहुत तो यू नो चाहे कोई भी हो वो थोड़ी फिक्शन होगी किससे तो कई ऐसे और हैं लेकिन अगर आज आप उन दोनों से पूछे तो आई थिंक
सुनील गावस्कर इसी इंसिडेंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, वेरी लॉस्ट हिज कूल वेयर कपिल रिफ्यूज्ड टू टेक अ सिंगल. तो वो तब थोड़ा फ्रिक्शन था. वर्ल्ड कप में जाकर भी एक जगह फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच. एंड सुनील गावस्कर इज ड्रॉप फॉर कपल ऑफ दोज ओडीआई मैचेस. हालांकि वो खुद कहते हैं कि वो इंजर्ड थे, ड्रॉप नहीं हुए थे 83 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो एक सुबह से अपना पैड लेने की कोशिश कर रहे थे और पैर स्ट्रेच हो गए थे, नहीं थे. लेकिन द फेमस स्टोरी इज कि कपिल देव उनको कुछ कहना चाहते थे पर उनकी अंग्रेजी थोड़ी, जैसे आप जानते हैं, यू नो, थोड़ी सी टाइट थी. तो उन्होंने जो चीज बोली इट साउंडेड वेरी रूड टू सुनील गावस्कर. एंड उसके जस्ट बाद वो खेले नहीं और तब भी थोड़ी इनकी फ्रिक्शन हुई थी 83 वर्ल्ड कप में. वो भी मैं कहानी बुक में लिखता हूँ. वो इवेंचुअली सॉर्ट आउट हुई थी. मैनेजर जो पीआर मानसिंह है, उन्होंने दो मैचेस के बाद जाकर, एंड दैट इज इंसिडेंटली दैट 175 वाला जो मैच है टर्नब्रिज वेल में, उससे पहले जाकर वो सुनील गावस्कर से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि कपिल की इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, वो रूड नहीं होना चाहते थे, वो कुछ और बोल रहे थे, कुछ ऐसे आया. तो देन मिस्टर गावस्कर हिमसेल्फ सेड कि ठीक है, जब मुझे मैनेजर ने बोला तो let it go, I let bygones be bygones, छोड़ दिया. And then he plays that match, जो Zimbabwe वाला match है 175. Jamie, just imagine if such a friction would have taken place between two players who are that big in our times right now. Sir, कि मतलब कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती? कहानी हुई थी, खिलाड़ी की बात करते थे. हुई तो थी अभी recently. हुई थी आपके Indian cricket में. दो सबसे बड़े क्या आप कप्तान और उपकप्तान की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे कहानियां मीडिया में पढ़ी है, मुझे नहीं पता, मैं तो इतना ट्रैवल नहीं करता. वही मैं कह रहा हूँ ना, सब वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो होता है कि चलो जी, जो दो किरदार हैं इस कहानी के बीच में, बिकॉज़ देयर इज नो स्मोक आउट फायर, दे आर नॉट कमिंग आउट एंड स्पीकिंग इन द मीडिया ओपनली. एक होता है कि जी हो गया, एंड आई एम कमिंग आउट एंड स्पीकिंग ओपनली अबाउट इट, एंड व्हेन यू कम आउट एंड स्पीक ओपनली अबाउट इट, इट मींस इट इज फिनिश्ड, इट इज डन, जो हुआ हुआ, एंड वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर. यप. नहीं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम देयर वर नो ब्रांड एंडोर्समेंट्स, देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो पीआर मैन, देयर वाज नो एंटोराज, तो ऑल 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 सॉर्ट्स ऑफ फैक्टर्स. बट बिल्कुल बात आती रहो तो कम डाउन टू ह्यूमन नेचर एंड योर कैरेक्टर. अब ऑब्वियसली ये जो हम जो दो दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक अबाउट दिस टीम, बिल्कुल अलोंग रियली वेल. बिल्कुल बिल्कुल. सी, इनका क्या द मेन फैक्टर, एंड लाइक निखिल सेड, दिस मेकिंग कपिल देव द कैप्टन वाज अगेन वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स of that World Cup, you know, and this is why, again, you know, whether be it Bedi or be it Chandu Borde down the line, you talk about selections. Roger Binney, he had not played a test since 1982. He forced his way back with some outstanding batting and bowling performances in the semi-finals and the finals of that Ranji Trophy that very year, no? So then Chandu Borde said, let's pick this guy. Because inka kya tha, Nikhil knows all about this. Ye wo horses for courses wali selection thi, right? So be it picking the captain, someone like Binney, who was not in a test team, you know, at that time. He fought his way back and then went to the World Cup, takes 18 wickets, the most for any World Cup. And the rest, as they say, is history. Also, like Nikhil spoke about, and you also, Arjun, getting that team selection, right? Usme kya tha, six genuine all-rounders. Kapil Dev, Amarnath, Binney, Azad, Madanlal, Shastri. Sandhu and Sandeep Patil were not quite the all-rounder, but they were very near to becoming all-rounders, right? Did you have fielders, you know, Yashpal Sharma, Madan Lal, Binney, these are also outstanding fielders. So all this, you might say some of it was just luck. But I think despite the odds, this was a very calculated choice of selecting woi player jo jaake un conditions mein World Cup, chalo shayad World Cup jeetne, but a team which can, you know, smooth over the last two World Cups aur jaake wahan pe compete kare. And kahin na kahin isme जो कपिल देव और गावस्कर के बीच जो हुआ था, the way they showed it up, was a huge factor in getting. ये याद रखो, गावस्कर ने उस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया. There's a term I read somewhere. He was referred to as the phantom in the slips for the whole World Cup. His main role was taking catches. उनके बैट से कुछ रन नहीं बने थे, but still he was a very crucial member for the same thing that Nikhil said. He was the test batsman that time. इनको आप उस टाइम ड्रॉप नहीं कर सकते. You drop Vishwanath. But despite the fact, all these off-field things were छोड़ यार, हम यहाँ World Cup खेलने आए, World Cup जीतने आए, जो आजकल के time में शायद नहीं होता. हाँ, आजकल के time में तो बहुत कुछ होता है सर, लेकिन ये सब नहीं होता. लेकिन I think you brought up a good point कि जिन भी you know when you talk about administrators and all, and this is all off camera with the former cricketers and people who are around, and because everyone is so involved in the system, they like the way the system is. You talk about the system. जब भी चंदू बोर्डे साहब की बात करें ना, आंख थोड़ी लाइट अप हो जाती है मैंने देखे लोगों के बारे में, बिकॉज पीपल रियली होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड फॉर व्हाट ही वाज डूइंग. एंड निखिल, यू सपोज दैट सॉर्ट ऑफ, हम लोग खिलाड़ियों की बात करते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पे, ऑफकोर्स 83 वर्ल्ड कप जिताने में, लेकिन चंदू बोर्डे साहब, बिकॉज जो काम उससे पहले 5 साल पहले हुआ है, दैट हैज ऑल प्लेड अ पार्ट इन डूइंग व्हाट यू हैव डन.
83 इंग्लैंड में. नहीं बिल्कुल. एंड जो सिलेक्शन कमेटी की जो लाइक इवन बिशन बेदी वाज पार्ट ऑफ दैट सिलेक्शन मीटिंग. एंड जब मेरा बुक लॉन्च हुआ था ही हैड आल्सो कम. सो ही आल्सो सेड दिस कि यू नो अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदू बोडे ये एक मतलब पूरा इन्होंने इस तरह से सिलेक्शन प्लान किया था. द अदर थिंग ही सेड बहुत इंटरेस्टिंग था कि हालांकि ये इंडियन क्रिकेट में हमेशा चलता आया और उस टाइम तो बहुत ही होता था ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ये अपना ये देखना. बट ही सेड कि इट वाज वन ऑफ दोज रेयर सिलेक्शन कमिटी जो इतना अपने जोन के लिए लड़ाई नहीं करती थी. दे एंड स्पेशली फॉर द 83 वर्ल्ड कप दे वेंट विद कि नहीं जो अच्छे प्लेयर है आप उनको देखें परफॉर्मेंसेस देखें. और अगर हम ऑलराउंडर्स ले रहे तो ऑलराउंडर्स देखें. इसलिए आप देखें तो बहुत गुड रिप्रेजेंटेशन है अक्रॉस इंडिया यू नो. बल्कि उस दिन मैं किसी ने ट्वीट भी किया था 25th को. कीर्ति आजाद ने ये ट्वीट किया था. आई डोंट नो अगर लोगों को उन्होंने आज के कॉन्टेक्स्ट में किया था कि यू नो अगर आपको जीतना है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा जैसे हमने 83 में किया. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे उस टीम में यू नो. तो एक उन्होंने वैसा सोशल मैसेज भी दिया. कम्युनलिज्म वाज ऑन अनदर लेवल सर. कम्युनलिज्म एंड एवरीथिंग. हां मतलब वी डोंट नो अगेन. जैसे अब ये अलग डिबेट है अर्जुन. कई लोग कहते हैं कि तब लोग बेहतर थे अब कम है. आई मीन आई डोंट गेट इन टू दैट. बट हाँ जब भी हो ऐसा डिसीजन लेना कि भाई आप यू नो ये सब ना देखो रीजनलिज्म ना देखो जोन ना देखो. आई थिंक वो ज्यादा होता था मोर देन रिलीजन. इट वॉज ऑलवेज जोन. भाई मेरे वेस्ट जोन से आ रहा है या मेरे साउथ जोन से ना. उन सबको दरकिनार करना बेस्ट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जैसे सेलेक्ट करना. सो वो सब चीजें उन्होंने करी और नतीजा फिर सबने देखा. So, yeah, what is this Burness win that you've written about? Sorry, I'm taking a... Burness, so, usse pehle, sorry, मैं वो बता रहा था लड़ाई के बारे में. अर्जुन तो वो टेस्ट मैच नहीं याद आ रहा था ना जो मैंने कहा वो सिंगल लिया. तो दैट वाज अ 79 टेस्ट मैच. इट वाज अ डेब्यू ईयर ऑफ कपिल देव. वो मद्रास टेस्ट था एंड सुनील गावस्कर हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड उनको लग रहा था कि इमरान खान जिस तरह से बोलिंग कर रहा था कपिल वुड हैव बीन एबल टू प्ले हिम बेटर. तो वो सिंगल. सो यू स्पोकन अबाउट इट. सो यू स्पोकन अबाउट. तो मैंने सोचा कि नहीं मैंने वो बताया नहीं लोगों को ना क्या टेस्ट मैच और क्या था वो कौन था बोलर. तो आई थॉट इफ आई टेल देम दे शुड जस्ट नो दैट. बट जहां तक आप बर्बिस की बात कर रहे हो वो विन आई थी जस्ट 3 months बिफोर इंडिया वेंट टू द वर्ल्ड कप. एंड If you speak to any player of that team, वो बात करते हैं कि that was actually the turning point, that one match which gave them hope कि आप कुछ कर सकते हो. ये भी बड़ा बुरा ही टूर था इंडिया का. वेस्ट इंडीज जो गई थी टेस्ट सीरीज आप 2-0 हारे थे और वनडे भी आप सारे हार गए थे. सिर्फ एक मैच उस पूरे दौरे पर आप जीते थे. वो एक वनडे मैच था जो बर्बिस में खेला गया था गयाना में. इतनी छोटी सी जगह है कि वहां होटल भी नहीं था टीम को रहने के लिए. एक्चुअली फॉर दैट मैच द टीम फ्लू इन हेलीकॉप्टर. आए ग्राउंड पे ही लैंड करा हेलीकॉप्टर. उसी ग्राउंड पे मैच खेला. मैच खेल के हेलीकॉप्टर से वो अपने होटल दूसरे शहर चले गए. इतनी छोटी सी जगह थी लेकिन उस छोटी सी जगह में कमाल हो गया था क्योंकि पहली बार नाउ फर्स्ट टाइम व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज लॉस्ट अ वन डे मैच एट होम. उससे पहले वो वन डे मैच कभी नहीं हारे थे. एक मैच हारे थे बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट कंसिडर दैट एज अ लॉस क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज बी टीम खेली थी. कैरी पैकर की वजह से पूरी टीम चली गई थी. तो एक मैच था जब बी टीम वेस्ट इंडीज की खेली थी तो मैच हार गए थे. तो उस हार को हम इतना नहीं मायने देते. इसलिए पहला फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज टीम 10 साल में. आप इमेजिन करें अर्ली 70s में वनडे शुरू होता है और 83 की मैं बात कर रहा हूँ. इस एक दशक में वेस्ट इंडीज की टीम एक भी वनडे मैच अपने देश में नहीं आ रही थी किसी भी टीम से. सो इंडिया वॉज द फर्स्ट टीम टू बीट देम at their home in a one day match and that was a very high scoring match. 282 run almost 100 runs more than what they made in the final. They made in that Burbis game batting first. Us match mein Sunil Gavaskar ne 90 run banaye the aur niche batting karte hue kuch I think 38 gendon mein 74-75 run Kapil Dev ne banaye the. मतलब ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट पे उन दिनों में कपिल देव ने आके वैसे बैटिंग करी थी. तो मतलब और फिर वेस्ट इंडीज ने चेस भी अच्छी की थी. आई थिंक विव गॉट 60 समथिंग एंड बाकस गॉट अ हाफ सेंचुरी. लेकिन फिर भी दे फेल शॉर्ट बाय अ फ्यू रन्स एंड दैट विन देन गेव देम कॉन्फिडेंस कि यार ये इतनी दिग्गज टीम को हरा सकते हैं. चाहे लगातार नहीं कभी कभी तो हरा सकते हैं. दैट हैपेंड इन बर्बिस. इंटरेस्टिंग वो मैच इसने भी है जस्ट अ ट्रिविया कि दैट वॉज द फर्स्ट गेम वेयर रवि शास्त्री ऑल्सो ओपन द इनिंग. उससे पहले वो लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया करते थे. वो फर्स्ट मैच था जब एक्सपेरिमेंट किया. रवि शास्त्री को पारी की शुरुआत करवाई. 3 रन उन्होंने बनाए तो एक पार्टनरशिप भी हुई थी ओपनिंग उनकी गावस्कर के साथ. सो दैट एक्चुअली वॉज द टर्निंग पॉइंट दैट गेव देम कॉन्फिडेंस.
और अर्जुन हाँ जी इस मैच पे दिस मैच वाज वन बाय 27 रन्स लाइक लेकिन वो सेइंग इसमें क्या था द सेम वही फैसेट जो वर्ल्ड कप में आपको फाइनल तक ले गई इट वाज द फील्डिंग एंड द बॉलिंग आई ऑब्वियसली दिस मैच वी नेवर सीन दिस मैच बट फ्रॉम द स्कोर कार्ड एंड व्हाटएवर एक दो रिपोर्ट्स पढ़े यू कैन टेल दैट द फील्डिंग वाज व्हाट अप्लाइड द प्रेशर ऑन द वेस्ट इंडीज और वही आई थिंक द फील्डिंग वाज अ वेरी underrated aspect of India's 1983 campaign. Aapke paas 5-6 genuine fielders the. I mean, we talk about that catch that Kapil Dev took. Fantastic catch in the final against the British. But throughout that campaign, in that Australia match at Chelmsford, in the same final against England, it was key catches and runouts that actually won. And I think this Burbis match, apart from giving confidence, showed ke yaar yehi facet, hamari fielding aur bowling will keep us in good stead come the World Cup. एक चीज मैं बताऊं फील्डिंग बिल्कुल सही कहा जेमी ने कि एक फील्डिंग का स्टैंडर्ड अलग हो गया था और फिटनेस में इंडियन टीम आई थी लेकिन अगर एक इंटरेस्टिंग सी आपको एक कहानी बता दूं ना एक दो ऐसे फील्डर थे जिनको आप छुपाना चाहते थे ग्राउंड में उस टाइम भी कि ये दिखे ना दो थे दिलीप वेंगसरकर संदीप पाटिल ये अक्सर आप बात करते हैं एक जल्दी से आपको संदीप पाटिल की कहानी बताता हूँ क्योंकि थोड़ी फनी सी स्टोरी है इस वर्ल्ड कप में बलविंदर सिंह संधू ने बोला है लिखा भी है इसके बारे में कि जब वो 183 डिफेंड करने इंडियन टीम आई ना ग्राउंड में तो कपिल देव ने उन्हें कोई बॉलिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया उनको कि ऐसी बॉलिंग करना कि बॉल संदीप पाटिल के पास ना जाए क्योंकि अगर जाएगी तो हम हार जाएंगे सो ही यूज्ड टू से संदीप पाटिल जब थर्ड मैन में होगा तो इन स्विंगर डालना ताकि थर्ड मैन में बॉल ना जाए जब वो फाइन लेग में होगा तो आउट स्विंगर डालना ताकि वहां फाइन लेग में ना जाए बिकॉज इफ द बॉल गोज टू संदीप पाटिल इज नॉट गोइंग टू मूव एंड विल लूज द मैच तो ऐसे भी है कुछ फील्डर थे था अच्छा वो आप वर्ल्ड कप पे ले आए क्योंकि कहानी है वर्ल्ड कप के पास ले आते हैं आप देखो जी उस टाइम क्या था कि दो ग्रुप थे एंड टीम्स वर प्लेइंग ईच अदर ट्वाइस इन द ग्रुप तो आपने शुरुआत जबरदस्त करी कि आपने वेस्ट इंडीज को पहले ही मुकाबले में हरा दिया एंड देन आपने ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया से आप हारे एंड आपने जिम्बाब्वे को लेकिन हरा दिया एंड देन ऑफ कोर्स द गेम वर्सेस जिम्बाब्वे द रिटर्न और इफ आई कुड कॉल इट रिटर्न ऑफ द सेकंड फिक्स्चर वर्सेस जिम्बाब्वे वाज सच अ क्रूशियल वन और फिर वहां पे हमें देखने को मिला है 175 कप्तान कपिल देव का नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि यार उस टाइम ना टीवी कवरेज थी नहीं हमें देखने को नहीं मिला सो दैट इज सच अ शेम क्योंकि आज के जमाने में होता है तो दैट इनिंग्स वुड हैव बीन शेयर्ड ओवर एंड ओवर मेरा ये मानना है कि आई थिंक द फैक्ट दैट नो टीवी कवर्ड इट और एटलीस्ट देखने को नहीं मिला दैट इज एडेड टू द फोकलोर सर इन अ सेंस वो ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया कि यार पता है उस टाइम 175 आई मीन देयर ओनली गिने चुने लोग हैं जो उस मैच को देख रहे थे बाकी सब रेडियो पे सुन रहे थे निखिल लेकिन आपके पास एक कहानी है क्योंकि बीबीसी को लेकर उन्होंने कहा जी इंडिया जिम्बाब्वे है तो हम तो दिखाना नहीं चाहते तो कहानी यही है कि कुछ और कहानी है तो ड्यूरिंग माय रिसर्च बिकॉज़ आई वाज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस विद द बीबीसी प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड तो मुझे ये एक और एक दो जगह मुझे फिर धीरे धीरे पता चला कि शायद ये कहानी सही ना हो इसका पहला क्लू मुझे मिला मैं बीबीसी का प्रोग्राम पे जब गया तो बीबीसी जीनोम करके है विच कीप्स एन आर्काइव ऑफ एवरीथिंग दैट वाज कवर्ड बाय बीबीसी फॉर सो मेनी इयर्स उसमें जाके जब मैंने आर्काइव एक्सेस किया तो पता चला कि ऑन दैट डे 18th था मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैं डेट शायद गलत भी हो सकती है 18th जून को दो मैचेस बीबीसी ने कवर किए हैं विच वॉज द वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया गेम एंड द अदर वन वॉज इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सो उस वो एक ऐसा दिन था जिस दिन चारों टीमें खेल रही थी यानी आठों टीमें खेल रही थी यानी चार मैच हो रहे थे दोनों ग्रुप की सारी टीमें खेल रही थी और ऑब्वियसली तब शायद इतने क्रू बीबीसी के पास मौजूद नहीं था कि वो जाकर सारे मैच कवर कर पाए तो जब मैंने उनके आर्काइव एक्सेस करे तो उन्होंने पूरी डिटेल डाली हुई है कि ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का इतने बजे इस बीबीसी इस पे शुरू होगा आपके कमेंटेटर हैं रिची बेनो जिम लेकर ये और इतने से इतने बजे ये होगा इतने में हम ब्रेक लेंगे फिर ये मैच जो दूसरा मैच है वो इतने से इतने शुरू होगा तो सारी डिटेल मौजूद है इसका मतलब बीबीसी स्ट्राइक पर नहीं था बीबीसी के क्रू काम कर रहे थे अब जाकर फिर उसका मैंने जब और चेक किया एक बीबीसी के प्रोड्यूसर से उसने ये भी कंफर्म किया कि इस मैच की फुटेज भी एग्जिस्ट करती है नॉट इंडिया मैच द रिमेनिंग टू मैचेस इन द आर्काइव तो अगर फुटेज एग्जिस्ट करती है तो दैट मींस देयर वाज अ बीबीसी क्रू एट दोस ग्राउंड्स व्हिच आर डिफरेंट ग्राउंड्स व्हिच कवर्ड उसको जब मैंने थोड़ा और उसका रिसर्च किया तो एक आप मैच रिपोर्ट आपको मिलेगी आज भी ऑनलाइन मिलेगी कोई भी एक्सेस कर सकता है जिम वॉर्ड करके एक जॉन वॉर्ड करके एक रिपोर्टर है जिन्होंने जो ग्राउंड पर थे जिन्होंने मैच रिपोर्ट लिखी है इंडिया जिम्बाब्वे की वो अपने मैच रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि ड्यूरिंग द मैच जब इंडिया का बुरा हाल था 5 विकेट गिर गई थी तब जिम्बाब्वे के मैच हाँ 17 करेक्ट जिम्बाब्वे के मैनेजर को फोन आता है
कि बीबीसी से कि उन्होंने क्योंकि लाइव तो कवर नहीं कर रहे थे, बीबीसी से फोन आता है कि लगता है मैच तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, तो क्या हम आके आपकी वो पोस्ट मैच रिएक्शन के लिए भेज दें क्रू अभी से? तो मैनेजर उस वक्त कहते हैं कि नहीं अभी यू नो क्रिकेट है, फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी नहीं, आप मुझे एक दो घंटे बाद फोन करना, देन आई टेल यू कि आपको आना है। तो अगर उस लोकेशन पे भी बीबीसी का उनको फोन आ रहा है कि हम कवर कर ले या नहीं, तो इसका मतलब अगेन बीबीसी क्रू वाज ऑन स्टैंडबाय टू कम। राइट, सो निखिल, ऑफ कोर्स जो कहते हैं बीबीसी वालों ने उस टाइम वो किया जो हर ब्रॉडकास्टर करता है सर, वो कहता है कि मेरी बड़ी स्टोरी कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा मेरी बड़ी स्टोरी आ रही है वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो इंडिया, जिम्बाब्वे, जनाब आप थोड़ा साइड हो जाए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा ना यहाँ पे तो कपिल देव साहब इज गोइंग हैमर एंड टोंग्स, ये तो कहानी बन रही है, तो आई गेस दैट्स व्हाई मिस्टर जॉन वॉर्ड ने आपके जो बातचीत आपने करी है, जो आपने थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करी है, तब उन्होंने कहा जी यहाँ पे थोड़ा फेस सेविंग करने के लिए जिम्बाब्वे के पास किसी को भेज देते हैं रिपोर्टर को, कि ऐसा लग तो रहा है कि जिम्बाब्वे जीत जाए, लेकिन कहानी कुछ ना कुछ तो बनेगी जरूर। लेकिन जेमी, जॉन वॉर्ड जब हमने यहाँ पे नाम लिया सर, तो आपकी आंखें अगर ऐसी थी, सडनली आपकी आंखें ऐसी हो गई, ये किस लिए? क्योंकि जॉन वॉर्ड के नाम से सुन के आपको क्या याद आता है? मुझे याद आया कि 2008 में, which was the 25th anniversary of the World Cup win, मैं उस टाइम यूके में था on an exchange program with Cricket Info. तो क्योंकि जब मैं गया था वहां पे कुछ काम से, तो मुझे याद था कि ये होगा, एंड आई रियली वांटेड टू गेट डाउन टू टनब्रिज वेल्स। टनब्रिज वेल्स मैंने एक पीछे कहा था उस पे, उसी साल में, इट्स लाइक द फॉरगॉटन ग्राउंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वो ग्राउंड है जब हम सुनते आए 125, आई डोंट नो एनीबॉडी हु हैड एवर गॉन टू दैट ग्राउंड। आई स्पोकन टू अयाज, एंड अयाज ने कहा था मुझसे एक बार कि यार मैं आई ऑलमोस्ट मिस माय ट्रेन, बिकॉज़ अयाज हु वाज वन ऑफ द आई थिंक टू निकिल टू इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे, वो इंडिया की पहली मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो वहां पे नहीं थे, तो वो ऑलरेडी अपने बॉम्बे वाले ऑफिस से कॉल आया था कि यार तुम वहां तक गए हो, तुमने वो मैच मिस किया, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मैं कोई इंडिया वाला मैच मिस नहीं करूंगा। बट बात ये है कि आई रियली वांट टू सी कि टनब्रिज वेल्स क्या है, और जैसे कि निखिल ने कहा था जॉन वॉर्ड है कोई, मतलब उनका भी नाम हम लोग के छोटे फैंस के लिए बड़ा नाम, और जॉन वॉर्ड वॉज द मैन हु वॉज देयर, ही डिस्क्राइब वन लाइन द रोडोडेंड्रंस वर इन ब्लूम। तो बचपन से यार ये रोडोडेंड्रंस वर इन ब्लूम एक था जहन में, हम वहां जाएंगे देखेंगे, तो मैं वहां गया, आई गॉट अ टिकट। पर उससे पहले 3 दिन पहले जून 14 को मैंने मेल निकाला जॉन वॉर्ड का, एक सीनियर इंग्लिश जर्नलिस्ट से, मैंने इनको मेल किया था, मेरे पास मेल है वो, इसमें आई वोक अप, मैंने कहा था आई एम जेमी, आई एम हियर, आई वांट सम क्वेश्चंस। इनका रिप्लाई वर्बेटम, आई वाज नेवर देयर माय फ्रेंड, द ओनली मैच आई कैन रिमेंबर डूइंग वाज बिफोर द 99 वर्ल्ड कप, अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल पीसेस आई डिड ऑन ऑल ऑफ जिम्बाब्वेज मैचेस एट दैट स्टेज। The piece you're talking about was based on interviews I did with Zimbabwe's players who were part in that match. So I'm afraid I actually cannot help. ये वही बात हो गया, ये match में कुछ होने वाला नहीं है, इसको मारो गोली। But कहीं ना कहीं वो match जो इतिहास में हो गया, कहीं ना कहीं शायद John Ward या उनका editor, someone had the sense कि यार उस match पे कुछ लिखो, क्योंकि ये ऐतिहासिक match हो गया। And it's because of that match, frankly, that we all remember it, right? तो बात यह है कि मैं वहां पे गया था टनब्रिज वेल्स, इट्स इन केंट काउंटी, कुछ लंदन से कुछ 1.5 घंटे की ट्रेन राइड है, मैं वहां पे गया था, आई लैंडेड देयर, दिस इज द एरा बिफोर यू नो गूगल मैप्स, नो मैं बस पूछता गया, आई वॉक फ्रॉम द स्टेशन टू टनब्रिज वेल्स, और जैसे ही मैं वहां पे गया था, एक तो देयर वाज सम केंट का अंडर 12s वर प्लेइंग टू मैचेस, एंड द ग्राउंड इज एक्चुअली सरियल, एंड यू कैन, एंड इट्स अपेरेंटली इट इज एज इट वाज ऑन दैट डे, and you can see the white picket fences, the rhododendrons were in bloom, the John Ward sahab jada dur nahi the wahan se inke jo sutre the, and the ground, it's the smallest quaintest ground, to main wahan pe gaya tha, maine bahut khoj kiya, I got an email from an Indian British Indian jo afsos ki baat hai ki wo mail us piece ke baad aaya tha, unhone kaha tha ki waqai mein bahut kam log the, lekin jo fans the wahan pe they were mainly Indian fans, and his father had a florist, he was a florist, inke paas ek phool ki dukaan thi ground ke paas, और उन्होंने कहा, I think it was Yashpal, Shrikant and one more player, they came and they bought out all the flowers that night, that floral family, I think it was a Gujarati family, they hosted the team वहाँ पे, so these are all the memories, I'm sure Nikhil had such things when doing research, but हम जैसे जो यहाँ बैठे हैं आजकल, you know, in our 30s and nearing 40, हमारे लिए जो यादें हैं, despite there being no telecast for whatever reason, they're all based on things like John Ward's thing, hearing it from players, it is all painted picture. This is why I said it is the forgotten ground of Indian cricket. Nobody has ever been there. हम सब उसपे लिख चुके हैं, but बहुत कम वहाँ पे जा चुके हैं. And it's one of the things which add to the whole legend of 1983 and that match at Tanzania. Exactly, exactly. That adds to the folklore. You know, अमर जॉन वॉर्ड साहब की यहाँ पे हमारे बीच में चर्चा होगी भाई.
हमें एक कह रहा है जॉन व्हाट्सएप थे, एक कह रहा है जॉन व्हाट्सएप नहीं थे, एंड दैट एड्स टू द होल यू नो स्टोरी. अब कहां सच्चाई है, वो कहीं वो जॉन व्हाट्सएप को जाना पड़ेगा ये सच्चाई ढूंढने के लिए. लेकिन मेरे ख्याल से वो 575 ऑनसेस अभी देखते नहीं है, उन्होंने अलाइव रख दिया हमारे ज़हन में वो. बिल्कुल, एंड रिटन सो वेल यार, यू नो. तो या कमाल की बात. बट निखिल, व्हेन डूइंग रिसर्च सर, किसी ने कैमरे से फुटेज नहीं निकाली? कुछ ऐसी कहानी नहीं है कि किसी ने थोड़ा भी फुटेज निकाला हो? ये एक थोड़ा रूमर सा है, और आप कई कई जगह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा. कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि कहानी है कि कोई एक अपना कैमकॉर्डर लेके आया था और उसने रिकॉर्ड करी है. हाँ, कोई फैन. लेकिन अगर ये मैंने भी कई लोगों से पूछने की कोशिश की कि कोई ऐसा था, तो मैं तो नहीं ढूंढ पाया किसी ऐसे शख्स को कि जिसने ये रिकॉर्ड किया था. और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई शख्स होता तो आज तक छुपा के नहीं बैठा होता. ये बड़ा मेरा फॉर्च्यून है ना, आप वो फुटेज बेच के आज के दिन में आप स्टार स्पोर्ट्स या कोई भी स्काई स्पोर्ट्स किसी के पास भी जाओगे तो अच्छे. सोनी भी बोलते सर, सोनी भी बोलते, सोनी किसी पे मतलब जो भी आप जाएंगे और देंगे तो आपको ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे. तो ये कहानी रह गई. पर अगर मतलब कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुछ स्टिल्स भी निकले हैं. आई थिंक कहीं पढ़ा था वो स्टिल्स एक फोटोग्राफर के ऊपर स्टोर रूम में पड़े थे इतने साल से, उन्होंने उसको डेवलप नहीं कराया था प्रिंट. सडनली उन्होंने प्रिंट डेवलप कराया था. कुछ महीने पहले ही 83 वर्ल्ड कप के कुछ फ्रेश पिक्चर्स भी सामने आए. तो कुछ अगर ऐसी कहानी है, किसी के एटिक में पड़ा है वो टेप और फिर कुछ साल बाद निकले, तो बड़ी रोमांटिक सी कहानी बनेगी. तो आप सोचिए कितने करोड़ों में वो फुटेज बिकेगी, मजा आ जाएगा. जेमी, आपने छानबीन करी इस कहानी को लेकर? क्यों, आपको कुछ और मिला क्या? इसको मैंने किया था, पर इस टॉपिक पे, because this is a lovely flowing nostalgia. I found the mail from the guy I spoke with. His name is Navinder Grover. इन्होंने मुझे June 18, 2008 में कहा था. If you give me 2 minutes. I was 10 years old. My memory is a little faded. It was a blisteringly hot day, which gave the day a really good feel to it. There were a few Indians in the crowd, but they were pretty scattered about. We sat near the pavilion where my dad chatted away with Farooq Engineer. I also got the autographs of Sunil Gavaskar and most of the team. The Indian team in those days was something else compared to players today. And those are art. This is still the pre-Virat Kohli era. My parents owned a flower shop in neighboring Tunbridge, which is where the Indian team stayed. In a very English town, around 15 young Indians wandering about stood out like a sore thumb. My dad recognized them, found out where they were staying, the Rose and Crown Hotel on High Street, and went down there with the biggest bouquet of flowers he and my mom could make. The team were there day before the game, in the bar having a relaxing evening. Tragically, being underage, I was made to stay outside. Ye wo keh rahe hain wo. My dad spent about 2 hours having drinks with our heroes before wishing them well. He gave the flowers to a couple of them, and we thought that was the end of it. In fact, having watched his awe-inspiring batting against Zimbabwe, we received in the post a few days later a thank you card signed by the legend Kapil Dev himself. Needless to say, it remains in a very safe place to this day. He was a true gentleman. So these are this is the kind of impact that match had. Brilliant story. That match had well, on a 10-year-old. This is in a mail to me. So मैंने ऐसे अगर और भी लोग हैं, I tried very hard to find out. और ये एक कहानी है, rumor है. Urban legend के कोई देसी हमारे भाई ने उस time पे handycam में उसको record किया था थोड़ा drinks लेके. And rumor goes that Kapil Dev, मतलब this is the story goes, and rumor goes that Kapil Dev said भाई, and he paid him some obscene amount of money. Again, these are all rumors. It just adds to the whole legend के क्या था 1975 Tunbridge Wells. क्या कहानी थी यार, this is lovely, and I think this just keeps adding to the story, you know, कि उसने ये कहा, नहीं उसने ये कहा, and मैं तो चाहूँ कि footage निकले ना. Taki this continues to grow, and you know, from generation to generation, you keep talking about it. Guys, let's continue now on the World Cup. So, gaadi India ki pahunch gayi final mein. Main thodi aage le ja raha hu gaadi ko. Aap samne aap khel rahe ho West Indies ke khilaf. Nikhil, aapne ek wahan se kahani nikali hai about the BCCI president refusing extra process for the final. That I wanted to mention at the start, jab aap baat kar rahe the na 83 World Cup kyun important hai. To वो इसलिए नहीं कि इट चेंज इंडियन क्रिकेट ऑन द फील्ड, बट इट चेंज इंडियन क्रिकेट ऑफ द फील्ड ऑल्सो. जो आज इतना रिच है इंडियन क्रिकेट, वो एक छोटा सा इंसिडेंट है. क्या हुआ था कि इंडिया व्हेन दे रीच द फाइनल, अगेन नो वन एक्सपेक्टेड देम टू रीच इवन द फाइनल सेमीज में, बल्कि इंग्लैंड से जब मैच था तो इंग्लैंड की प्रेस ने तो सीधा लिख दिया था फ्री पैसेज टू द फाइनल. अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज खेल रही है, इंडिया तो बाहर हो गई, तो वैसा कुछ था. तो व्हेन इंडिया रीच द फाइनल, उन्होंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी इंडियन फैंस के लिए. तो लॉट ऑफ इंडियन फैंस जो अफोर्ड कर सकते थे, दे फ्लू इन
टू वॉच द फाइनल, तो काफी वीआईपीज आ गए थे, तो डिमांड बहुत बढ़ गई थी। एनकेपी साल्वे वहां जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ पासेस मांगे इंग्लैंड बोर्ड से कि भाई हमारे कुछ दोस्त यार या वीआईपीज आ गए, आप पासेस दे दो। तो द इंग्लैंड बोर्ड हैड रिफ्यूज टू गिव देम एनी मोर पासेस। उन्होंने कहा नहीं, जितने आपको मिले बस उतने ही आप उसके साथ करोगे। सो द स्टोरी गोज कि एनकेपी साल्वे फेल्ट वेरी इंसल्टेड, तो कि भाई ऐसी तरह से ट्रीट किया गया है। और वो बहुत मतलब नामी गिरामी हस्ती थे उस टाइम पर भी, वो एमपी भी थे उस वक्त, कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उनका एक्सेस था। तो द स्टोरी गोज कि उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन करके बोला कि यू नो ये ऐसे हमें ट्रीट करा जा रहा है, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और वी विल हैव टू टेक द वर्ल्ड कप अवे फ्रॉम देम, ये लोग ही लगातार क्यों होस्ट करें, यू नो। सो वहां से इंदिरा गांधी गिव्स फुल सपोर्ट बिकॉज उस टाइम बीसीसीआई इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था, गवर्नमेंट की बहुत हेल्प चाहिए होती थी। आजकल तो बीसीसीआई कुछ नहीं पूछता ना, जो भी डिसाइड करना है पर उस दिन करना पड़ता। तो फिर प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट मिलता है, शी गॉट इन टच विद धीरूभाई अंबानी हु सेड कि ठीक है आई विल स्पॉन्सर, यू नो आई विल पुट इन द मनी। तभी 87 का वर्ल्ड कप इज कॉल्ड द रिलायंस वर्ल्ड कप। एंड देन नेक्स्ट डे आफ्टर इंडिया विंस, एनकेपी साल्वे एक मीटिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट मीटिंग विद एयर मार्शल नूर खान हु इज द पीसीबी चीफ एट द टाइम, और ये चीज वो लोग अग्री करते हैं कि हम ज्वाइंट बिड करेंगे। उस दिन उन दिनों में पाकिस्तान के हालात भी थोड़े बेहतर थे फाइनेंशियली आज के मुकाबले, सो यू नो अ ज्वाइंट बिड वुड हैव गिवन देम मोर मनी। सो दे अग्री द नेक्स्ट डे कि हाँ लेट्स डू अ ज्वाइंट बिड। फिर इंडिया से स्पॉन्सर भी अरेंज होता है, बाकी चीजें आर पुट इनटू प्लेस। व्हेन द बिडिंग हैपेंस, सबको पता है कि £20,000 वाज द प्राइज मनी दैट इंग्लैंड वुड ऑफर टू द विनर्स, और इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट बिड इज एट £40,000, दे डबल द प्राइज मनी। आफ्टर विच जो सारे मेंबर नेशन है दे वोट इन फेवर ऑफ यू नो इंडिया पाकिस्तान होस्टिंग इट। देन दैट वर्ल्ड कप 87 वर्ल्ड कप कम्स टू इंडिया एंड पहली बार वो टेलीविजन राइट्स बिकती हैं, बीसीसीआई को पैसा दिखता है, अच्छा यहाँ से भी पैसे आते हैं एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। और फिर तब से लेकर आज तक बीसीसीआई आप देख सकते हैं जो उन्होंने सफर तय किया है, वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्टिंग बॉडीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अ क्रिकेटिंग बॉडी। उस वर्ल्ड कप के 4 साल बाद वर्ल्ड कप कहाँ हुई थी, उसका उसका टाइटल स्पॉन्सर क्या था, रिलायंस। 4 साल के अंदर there was no more Benson and Hedges, that was the last year that deal apparently was expiring, and who got it? So that 175 could be the greatest from an Indian perspective ever, because that changed the whole, like Nikhil said, the power of Indian cricket. Wo pura shift ho gaya uske baad. I don't know why we just stayed to Indian cricket. I think this is the fact that how contributing a factor India plays in world cricket in this last two decade, I think it changed world cricket, sir. Because agar ye nahi hota, shayad aap aaj IPL bhi nahi soch rahe hote. IPL ke balbute pe aapne jo bana hai, itna kuch badla hai. क्रिकेट की यहाँ पे उन्होंने पूरी ट्रेजेक्टरी यहाँ पे बदली है, एंड नाउ दैट बीसीसीआई इज नाउ द ड्राइविंग सीट, द इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, द टैलेंट इज देयर, वन ओनली नोज दैट विल गो हायर एंड हायर, एटलीस्ट फ्रॉम वन एंगल ऑफ इट। हमने गेम की यहाँ पे बात कर ली है, गाइज एनी अदर स्टोरीज यू वांट टू ब्रिंग अबाउट, जेमी एनीथिंग यू वांट टू ऐड, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस, एनीथिंग डैड हैज टोल्ड यू? वर्ल्ड कप विनिंग टीम, कपिल देव और श्रीकांत को छोड़ के ऑन द वे बैक फ्रॉम इंग्लैंड stop over in US, ye Gavaskar ji ne kaha hai, it's a fact, they earn more money from playing these exhibition matches for the NRI audience in places like the US than they could get, you know, in a World Cup. To ye log ruke the, I think they started in the West Coast and they came across. They came to New Jersey, jahan pe shayad us time India ka zyada expat community wahan pe tha. Ek exhibition match tha against some West Indian player, jisme the Alvin Kalicharan and ek Siu Sunarain karke player tha, and a lot of the West Indian players who were retired in the US. To ye mere father ki ek film chal rahi thi Mithun ke sath Rukhsat. Mithun us time it was just post Disco Dancer, he was the biggest phenomenon in Indian films. Inki shooting thi Rhode Island mein, jo ki jyada dur nahi hai New Jersey se. My father and off day had gone to see my dada and dadi in New Haven, Connecticut. Wahan pe ek magazine tha for the expat Indians. My father was going through, he saw ad for it, Indian World Cup team khel rahi hai match. My father ne kaha, book by book, mujhe us match jaake mujhe dekhna hai. He went to his producer and said, mujhe ek din ka time de do, meri shooting hai, main jaunga. Mithun said, tu kahan ja raha hai, bhai, hum hi tere saath aayenge. And Mithun, when Mithun said, mujhe match dekhna hai, the shooting stopped up. Simi Garewal was the director of that film. She said, are you mad? Mithun, he used his connections. Shooting was shut down for 2 days. Mithun, my father and Mithun's makeup dada caught I think a train or a bus from Long Island. They went there, went to the team hotel a day for, while they walked in, they saw Gavaskar. Oh, Tom, Mithun, what are you guys doing?
हम आपके मैच देखने आए, गावस्कर सर हमारे पास इट्स ऐसी फन मैच, माय फादर एंड मिथुन सर यू ऑफ कोर्स विल प्ले, सो नेक्स्ट डे दे प्लेड, मिथुन से ओपनिंग बॉलिंग करवाई सीधा कीपर के ऊपर से, मिथुन वाज एनीवे सो दे प्लेड, माय फादर ही वाज फीलिंग आई थिंक अ लॉन्ग लेग, he threw the ball in one thing, Kirmani caught the ball and said yaar aise throw maine kabhi dekha nahi from a non cricketer, these are all things my father said, he took a wicket, he got the rival West Indian captain out LBW, he said everyone being hugged by Gavaskar, Shastri, all those players was the greatest day for him in his life, because he had a dream like khelunga nahi hua tha, all that stuff, this was my greatest day, a small side story from that same team. Hardly a month brilliant after the story, World Cup man. Win. I hope you guys are enjoying this episode of 575 ounces. मतलब मैं तो बस सुन के मैं यहाँ पे काफी enjoy कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ना सर 1983 की जो भी कहानियाँ सुनी हैं, I mean no disrespect to anyone, कि मैंने सुना है वो कपिल देव का catch, Viv Richards going hammer and tongs, and then of course the bowlers coming in and doing the job. But आज जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, they're completely different because there's so many other stories involved, Nikhil. A final word with you, sir, because of the author of Miracle Men. ऐसी एक और कहानी probably post World Cup, during World Cup जो अभी तक लोगों ने सुनी नहीं, and then we'll end this conversation. नहीं कहानी नहीं है, मतलब I mean I think एक तो ये थी जो जैसे मैंने बताया आपको BBC की, और एक actually I have to think of something यार, क्या मैंने the author has to think of something, ये कैसे हो गया ये, कौन सी कोई मिस तो नहीं करती मैंने सुनाने वाली, तो सुनाने वाली नहीं, तो आप ये बताओ 83 के बाद रिसेप्शन कैसा था? कहानी सुना देते हैं आपको, मजेदार मजा आएगा, ठीक है ना? तो ये कहानी है, यू नो यशपाल शर्मा के थोड़े मतलब कपिल बाजी की तरह उनकी भी इंग्लिश थोड़ी सी टाइट थी, और वो पंजाबी आदमी है तो यू नो थोड़ा पंजाबी एक्सेंट भी है, तो द स्टोरी गोज लाइक दिस की भाई वन ऑफ द डे वो थोड़े लेट हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, आते टाइम तो ब्रेकफास्ट वॉज ऑलमोस्ट क्लोजिंग, जो होटल का बुफे होता है ना वो बंद हो रहा था एकदम, वो लास्ट मोमेंट पे आते हैं दौड़ के बिफोर ही कैन गेट इनटू द बस, तो वो जो वेट्रेस है जो जा रही है बंद कर रही है उसको, यू नो आई एम लेट करके वो बोल रहे होते हैं, तो द वेट्रेस वेरी काइंड, वो कहती है ना आप डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी, आपके लिए मैं जो आपको चाहिए वील get it, you're not late, but he keeps saying I'm late, so eventually wo pata aise chalta hai, someone decodes it for the waitress, what he's trying to say is that he wants an omelette, and you know she's getting him so thoda it was lost in translation, and like I said wo thoda the Punjabi accent was very heavy, so there were you know thode nuggets aise hain, thode bahut aur aise funny, so things that happen in those days. World Cup में उन्होंने ये चीज तय कर ली थी कि हर टीम मीटिंग में अंग्रेजी में ही बात करेंगे, और थोड़े प्लेयरों को मुश्किल होती थी उनकी हर चीज समझने के लिए, तो एक गैंग था थोड़ा नॉटी गैंग जो टीम का था, संदीप पाटिल, कीर्ति आजाद, वो तो जब जब कपिल पाजी कोई मीटिंग करते थे ना वो उनके पीछे खड़े हो जाते थे, तो और जब वो ग्रामेटिकल एरर करते थे दे यूज टू प्रिटेंड कि हमने कैच पकड़ा है, स्लिप इज स्लिप एंड वी गॉट अ कैच, बहुत cool. बाकी टीम यू नो हंसती थी, this was like their way of joking, yaar ek aur slip kara, ek aur slip kiya, to slip mein catches, to they say ki har meeting mein jitne catches humne pure tournament mein nahi pakde wo har ek meeting mein to utne catch slip mein aa hi jate the hamare paas, ye baat to hai, I mean I think Kapil Dev is famous for his slip of tongue as far as English is concerned. Jamie Alton, Nikhil Nas, guys this was a lovely conversation yaar, aur agar aap logo ko ye hamara show dekhne mein pasand aaya to fir hame bataiye comment section mein aapko sabse behtareen kahani kaun si achhi lagi, was it of course that 175, was it the slip of tongue, was it the build up to the 1983 World Cup, our aim today was to not talk about the obvious things, our aim today was to talk about things that have not been spoken about too much, and I think Nikhil and Jamie ne kafi homework yahan pe taiyari kari hai और काफी कहानियां हमारे सामने रखी हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज 575 ounces, गुड बाय.